की है कहानी सदियों से भी पुरानी ये ज्ञान की ये गंगा हेलो बाय लोगो बाय बाय। तो स्टार्टिंग है वैसे मेरी अभी, और अभी आपने इनके नाम देखे महाभारत के, मेरे पीछे महाभारत चल रही थी अभी। तो आपको बता दूं, ये तो आपने देख ही लिया नाटक, किस प्रकार से ये बना गया था, किस प्रकार से सीरियल बनाया था। मैं अब इनकी फोटोएं और बता दूं, ये देख रहे हैं आप गूफी पेंटन जी, अभी आप यहाँ पे भी नाम लिखा हुआ आया होगा गूफी पेंटन जी, और ये साथ के अंदर है दिलीप शर्मा। और ये भाई लोगों शूटिंग हुई थी जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर है बगरू एक जगह, वहां की ये शूटिंग हुई थी, और 30 साल पुरानी बात है। और बहुत बढ़िया लगा था, उस समय हम सुबह सुबह निकल गए थे यहाँ ये शूटिंग के लिए। और अभी एक और नाम देखा होगा आपने, ये एक और कलाकार हैं, ये कैट पीछे एक टेंट नजर आएगा आपको इसके अंदर। तो ये इस सारे कलाकार इस टेंट के अंदर ही तैयार होते थे। उससे पहले ये क्या है, सुबह 6-7 बजे होटल से रवाना होते थे और फिर इस टेंट में आकर के तैयार होते थे। और एक और ये फोटो कलाकार है उस समय की, अब ये आप लोगों के ऊपर मैं डिसाइड करता हूं, आप लोगों के ऊपर डिसीजन है कि ये कलाकार कौन कौन से हैं, ये आप गैस लगाइए इस बात का। और ये एक और कलाकार है उसी के हैं फोटो हैं, ये क्या है उस समय की फोटो, करीब 30 साल पुरानी फोटो हैं, संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है। एक बार ये बारिश के अंदर भीग गई थी फोटो हैं, लेकिन मैंने देखा मतलब यार चलो अपन थिएटर से जुड़े हुए हैं और टीवी वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो पुरानी मेमोरीज को संभाल के रखना भी अच्छी बात होती है। और एक ये और है हमारे साथ में उस समय के, ये दिलीप शर्मा और पेंटल साहब, बहुत इनका नेचर अच्छा था उस समय। मेरे हिसाब से ये इन कलाकारों में थोड़े उम्र में थोड़े शायद बड़े भी थे ये, और इनका प्रभाव भी मैंने देखा है वहां पे। ये जब तैयार नहीं हो रहे थे कलाकार, तो इन्होंने जोर से डांटा हमारे सामने ही कलाकारों को, इस जल्दी से तैयार हो, शूटिंग चालू होने वाली है, ये पेंटल साहब ने बोला था। और ये आपके लिए एक स्पेशल चीज लाया हूं मैं, ये देखो ये वो रथ है जहां पे नीतीश भारद्वाज जी कृष्ण खड़े होते हैं और इस पे ही वो रनिंग करते हैं, वो दौड़ते हैं, ये वो रथ है, ये इस पे भी दिलीप शर्मा है। और ये जब मैं चढ़ा पहली बार इसके अंदर, तो ये डगमगाने लग गया था, मैंने देखा अरे यार ये तो अपन तो गिरे, लेकिन ये डगमगाट भी मजबूती थी इसके अंदर, क्योंकि चट्टान वगैरह पे चढ़ने के लिए थोड़ा लचीलापन तो होएगा ही ना, फ्लेक्सिबल तो रखना ही पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे शूटिंग उस समय। इसके अलावा एक और मेरे साथ फोटो है, वो भी बहुत पुरानी फोटो है, करीब 40 साल पुरानी है, ये है प्राण साहब हमारे सुपरस्टार, जब भी टीवी पे इनको देखते थे बच्चे सहम उठते थे, उस समय घबराहट हो जाती थी बच्चे कि अब तो कुछ ना कुछ होगा इस फिल्म के अंदर। ये प्राण साहब है और एक मैं हूं और एक मेरे ये साथी भाई हैं।
और ये भी बता दूं मैं आपको कि अभी इरफान खान जी की थोड़े दिन पहले डेथ हुई है। तो ये जो है ये रविंद्र मंच थिएटर है जयपुर का, जयपुर का रविंद्र मंच थिएटर, और इरफान खान जी यहीं से निकले थे। हालांकि वो हमसे बहुत सीनियर थे, लेकिन हम इन उनकी बातें सुनते रहते थे, उनकी बातें हमारे चर्चाओं में रहती थी कि भाई इस प्रकार से बम्बई में स्ट्रगल कर रहे हैं उस समय। ये बात है करीब 94 के आसपास की। तो इसी थिएटर से वो आगे बढ़े थे, एनएसडी गए थे, और एनएसडी के बाद में वो बॉम्बे गए। एनएसडी में जब राजस्थान के कलाकारों को नहीं ले रखा था, तो मैंने आपको वो चीज भी आपको बता दूंगा, राजस्थान के उस समय 4 साल तक किसी भी कलाकार को एडमिशन नहीं मिला था एनएसडी के अंदर, दिल्ली वाले में। जब आपको भाई लोगों विश्वास नहीं होगा, मैंने अखबारों के अंदर निकाला था इस बात से कि 4 साल से क्यों नहीं राजस्थान के कलाकारों को लिया जा रहा है वहां पे। और ये खबर जब अखबारों में छपी थी, उसके बाद में उसी साल सिलेक्शन हुआ था। तो ये मैं अपने आप का अचीवमेंट भी मानता हूँ। ये तो जयपुर का तालकटोरा है, थोड़ा सा आपको वैसे दिखा दें, आपको थोड़ा अच्छा भी लगा होगा, हो सकता है नहीं भी अच्छा लगा हो, लेकिन प्यार तो मुझे सभी का मिलता है। ये बात तो मैंने जिंदगी के अंदर अपनी आपको नोट करी है, मैंने वीडियो कैसे बनाया है, मैं लोगों के से मिलता भी नहीं हूँ कभी, लेकिन कमेंट्स के द्वारा, कभी सालों में कोई मेरा दोस्त मिल जाता है, उसके द्वारा मेरे वीडियोस को पसंद किया जाता है। ये मैं आपको दिली तमन्ना से बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको हो सकता है आपको अच्छी लगी होगी, इसी प्रकार मैं आपको और भी अपने वीडियोस दिखाऊंगा, और भी आगे जैसे भी होगा वो आपकी सूचनाएं मिलती रहेंगी। गुड बाय, थैंक यू।